आज से मतलब जो नोट्स आपको मिला था मैथमेटिक्स का उसे सॉल्व करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि जो आपको नोट्स मिला था वो केवल प्रश्न में था, विकल्प में था। अभी परेशान थे कि सर कैसे सॉल्व होगा, कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, कैसे लगाएंगे। उन सभी बातों को खंडन करते हुए आज हम लोग आगे बढ़ते हैं, सवाल को लगाने का, सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो आपको मिला गया एक प्रश्न आपको दिया गया होगा, सामने आप देख पा रहे हैं कि निम्नलिखित में दिए गए प्रश्न का इकाई अंक क्या होगा, कि सरल करने पर गुणनखल गुणनफल होगा उसके इकाई अंक क्या होगा। इस दशा में कुछ नहीं करेंगे कि इकाई अंक को गुणा कर देंगे, जैसे 7 × 1 × 9 × 4। मैंने अगर हम यहाँ पे लिखे 7 × 1 × 9 × 4, मतलब इस कंडीशन से तो हमें इकाई अंकों का ही प्रयोग करना है। देखिए 7 × 1 = 7, 7 × 9 = 63, 63 × 3 = 3, 4 = 12। तो 12 हुआ, इकाई अंक क्या होगा? 2 होगा। इकाई अंक क्या होगा? 2। इस प्रकार से प्रश्न का जो उत्तर होगा आंसर वो होगा आपका 2। क्या होगा? 2 होगा। इस पर कोई भी संख्या रहेगी उसे हम क्या कर सकते हैं, आसानी से हम निकाल सकते। जैसे अगर हमें निकालना हुआ, ऐसे दे दिया 35 × 46 × 74 × 93 × 13, इस प्रकार का गुणा मिला तो इसका अगर इकाई अंक पूछे, कुछ नहीं करना है, सभी इकाई अंकों को गुणा कर दिए, इसका गुणा इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, सॉरी इसमें, फिर इसमें कर देंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, जब किसी भी गुणनफल में 5 सम संख्या है, इसके इकाई अंक सदैव 0 होगी, कहीं भी किसी भी दशा में। जैसे हम इसको आपको बताना चाहेंगे, एक बार आप इसे देख लीजिए। जैसे कोई प्रश्न आ गया यहाँ पे, जैसे एक प्रश्न लेते हैं, जैसे यहाँ पे दिया है 205 × 781 × 39 × 94। ये प्रश्न आपका है। इस प्रश्न में एक जगह अगर कहीं 5 मिल जाए और एक जगह कहीं सम संख्या मिल जाए, इसके इकाई अंक सदैव 0 होगा। हमने कुछ नहीं किया, केवल यहाँ 207 की जगह हमने 205 कर दिया, ठीक। और इसे गुणा भी करेंगे, देखिए 5 × 1 = 5, फिर 5 × 45, फिर 45 × 5 = 20, इकाई अंक 0। इस कंडीशन क्या होगा? सदैव 0 ही प्राप्त होगा, ये आप जानते रहिएगा, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग, ये अगला प्रश्न भी आपके सामने है। यहाँ पे दिया है कि यदि इसका गुणनफल निकाला जाए, इनका गुणा कीजिए, मतलब यहाँ गुड़े का चिन्ह हो, गुड़े का चिन्ह हो, गुड़े का चिन्ह, इकाई अंक क्या? कुछ नहीं होगा। 3 × 2 = 6, 7 = 42, 42 मैंने 42 × 31 = 2, मैंने इसकी इकाई अंक भी 2 होगा। देख लेते हैं कैसे। 503 × 112 × 207 × 31, बस इकाई गुणा करते चलिए। यहाँ देखिए 3 × 6 = 6, 7 = 42, 42 × 1 = 42, इकाई अंक क्या होगा? 2। इसका आंसर जो होता है आपका वो ये होगा 2, ठीक। कोई समस्या यहाँ से यहाँ तक आपको? आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब एक प्रश्न आपके सामने आया है कि किसी संख्या को 296 से भाग देने पर 78 शेष बचता है, उसी संख्या में 37 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। देखिए इस कंडीशन कुछ नहीं करना है आपको, केवल 37 से अगर भाग देंगे तो 78। देखिए किसी संख्या को अगर 296 से भाग देने पर 78 शेष बचता है, ठीक, फिर 78 क्या करेंगे? 37 से भाग देंगे, और 37 से भाग देंगे तो जो भाग देने पर शेष बचेगा वही शेष होगा। इस तरह के प्रश्न कुछ नहीं करेंगे, दिए गए शेष में दोबारा भाग दे देंगे, ठीक। तो हम क्या करेंगे, 37 से 78 में भाग, ठीक। तो हो जाएगा 7 × 9 = 14, 3 × 6 = 74, कितना बचा? 4। इसका उत्तर क्या होगा? 4। इस प्रकार के जब भी प्रश्न देंगे किस संख्या में 296 से भाग देने पर इतना शेष बचता है, उसी संख्या में किस संख्या से भाग देने पर, तो जो शेष बचता है वो भी दिए गए भाग से अगर भाग दे देंगे तो क्या होगा, ये आपका नया जो शेष बचेगा इसका उत्तर होगा। इस प्रकार के प्रश्न में जब भी इस तरह का निशान आए आप इसे आसानी से लगा लीजिएगा। ये यूनिक प्रश्न है काफ़ी, चाहे यूपी टेट की बात करें, सी टेट या सुपर टेट की बात करें, सभी के लिए एकदम यूनिक प्रश्न है। इसलिए इसे आप भरी बात समझ लीजिएगा और इस टाइप के प्रश्न को लगा दीजिएगा। जितना भी शेष अभी कहता कि किस संख्या को भाग देने पर, संख्या को इतने से 200 से भाग देने पर 78 से बचता, उसी संख्या में इतने से भाग देने पर या 7 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा, तो 7 कहता तो यहाँ 7 से भाग देते 78 में, ठीक, पता चलता। एक बचा, इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करना है।
जो भी शेष बचेगा नए संख्या से भाग देंगे, फिर नया शेष फल जो प्राप्त होगा वही उत्तर होगा, याद रखिएगा। इस प्रकार इसका उत्तर 4, मतलब इस संख्या से इस संख्या में भाग देना। देखिए अभी एक प्रश्न आपके सामने आया है कि 1295 में से कम क्या घटाया जाए कि शेषफल 9, 11, 13 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 6 शेष बचे। तो सबसे पहला काम करना है हम लोग को, देखिए 9, 11 और 13 का क्या निकालेंगे, एलसीएम। उसका जो एलसीएम होगा वो होगा 9 गुणे 11 गुणे 13 करेंगे तो होगा 1287। क्या होगा 1287, क्या था? प्रत्येक दशा में 6 से बचे, मैंने लहसुन मरचा वाला वीडियो आपको दिया होगा, आपने देखा होगा 6 से बचे मैंने 6 जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका 1287 + 6 = 1293। कह रहा है कि 1295 में से क्या घटा दिया जाए, तो क्या घटा देंगे भैया, कुछ नहीं करना है, 1295 - 1293 = 2, इसलिए इसका उत्तर जो होगा वो 2 होगा। ठीक, प्रश्न क्या कह रहा है कि 1295 में से क्या घटा दिया जाए कि शेषफल इतने से भाग, जब से भाग दे इसका एलसीएम निकालेंगे इसे इसमें भाग देंगे। कह रहा प्रत्येक दशा में 6 से बचे, पहले कह रहा जितना एलसीएम होगा वो तो संख्या होगी उससे कटने वाली, लेकिन कह रहा प्रत्येक दशा में 6 से बचे 6 जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद क्या करेंगे इसमें से घटा देंगे, जो प्राप्त उत्तर होगा 2 वही उत्तर है। ठीक है, तुम्हारा अपने से इसको सॉल्व कर लीजिएगा ताकि फिर ये अब इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। प्रश्न क्या दिया है कि एक संख्या को 13 से गुणा करने पर प्राप्त संख्या प्रत्येक अंक 5 है, ऐसी छोटी संख्या से छोटी संख्या क्या होगी। देखिए इसका एकदम सरल तरीका है, जब 13 से विभाज्यता का नियम के लिए हमें जानते हैं, 5 की बात करें तो कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे क्या करना है 5 1 2 3 4 5 6 बार यहाँ 5 5 लिख दिया हमने और 13 से भाग दे दिया। अब भागफल कितना आएगा 42735। अब जब इसका बटा है, अब जब भी इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, ये संख्या आएगी जो 13 से पूर्णतः विभाज्य होगी। तो कुछ नहीं करना है, सभी विकल्पों में आप 5 से गुणा करके चेक कर लेंगे, जो 13 से विभाज्य होगा वह संख्या भी क्या होगी, 13 से विभाजित हो जाएगी। मतलब कह रहा है एक संख्या को 13 से गुणा करने पर, अब इस संख्या को जब 13 से गुणा कर देंगे तो प्राप्त इतना होगा और यह संख्या क्या होगी, प्रत्येक अंक 5 होगा। तो जिसमें भी 13 से गुणा करने पर सभी अंक 5 आ जाए वही विकल्प आपका सही है, तो होगा 35 तो हो जाएगा 42735। इसका एक तरीका और है लगाने का, सॉल्व कर सकते हैं आप, 2-3 अंक से भी सॉल्व कर लेंगे, जान पाएंगे कि कौन सा विकल्प होगा कौन सा विकल्प नहीं होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न कह रहा है कि को वैज्ञानिक पद्धति में किस प्रकार से लिखे। जब वैज्ञानिक पद्धति की बात आती है लिखने के लिए तो कोई बहुत ही आसान तरीका है, हम एक अंक के दशमलव तक इसको लिखते हैं, एक अंक के दशमलव तक इसको, एक अंक दशमलव यहाँ है यहाँ आएगा, उसके बाद कितने अंक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने अंक आ रहे हैं आपके 9। तो बस आसान है, यहाँ से लेके यहाँ तक में कितने 9 अंक आ रहे हैं, ये हो जाएगा 3.289210 कई अंक, वो 4 अंक है 40 कई अंक हो गए 4 और 5 0 9 हुआ 9। इसका विकल्प कौन सही है, ठीक, इसका उत्तर क्या है, एक सही। ठीक है, कोई समस्या, बहुत ही आसान प्रश्न है ये, तो आप और आसानी से कर लेंगे, समझ भी लेंगे। ठीक, आगे बढ़ा जाए। अब प्रश्न दे रहा है आपका, यदि a*b = a²+b² हो तो 5*6 का मान क्या होगा। अभी एकदम आसान है, इसका मतलब क्या है अगर देखा जाए तो हो जाएगा a² ये है b² तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर + 6 का स्क्वायर तो 25 + 36 सही है 61 चाहिए। ठीक, इसका विकल्प क्या सही है, ए होगा, ए मतलब 61।
ठीक, यहाँ तक कोई समस्या? कुछ नहीं करना, ए का मान ए स्क्वायर, बी का मान बी स्क्वायर, कोई पाँच का मान पाँच स्क्वायर, छः का मान छः स्क्वायर, बस पाँच पचे पच्चीस, छः छत्तीस, पच्चीस इकसठ। कोई दिक्कत, कोई समस्या आपको नहीं है ना? आगे बढ़े, कह रहा चार अंकों की, कह रहा है कि चार अंकों की छोटी छोटी संख्या की जो तेरह से पूर्णतः विभाजित हो। चार अंक की छोटी छोटी संख्या लेंगे तो सीधी सी बात है, चार अंक की छोटी छोटी संख्या अगर हम लेना चाहें तो जो तेरह से पूर्णतः विभाज्य, उसके लिए कुछ भी नहीं करना है। सबसे बढ़िया तरीका इसको लगाने का एकदम सिंपल तरीका, अगर आप पहले से जानते होंगे तो ठीक है, नहीं जानते होंगे तेरह से भाग देकर चेक कर लेते हैं। एक हज़ार भाग देंगे तेरह से नहीं कटेगा, ये देखिए नौ 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 नौ, ये नौ से कटेगा, ये अगर तेरह से हम भाग देते हैं एक चार एक तेरह से अंठानवे, तेरह सत्ते इक्यानवे, इक्यानवे हुआ कितना बचा नौ, इक्यानवे तेरह सत्ते इक्यानवे कट गया, और यह चार अंक सबसे छोटी संख्या है। ठीक, तो इससे छोटी कोई संख्या नहीं, एक हज़ार कटेगा नहीं, इसका विकल्प क्या हो गया, एक हज़ार एक, ये चार अंक संख्या, एक दो तीन चार अंक की संख्या, तो भाग देकर चेक कर लिया आसानी से, क्योंकि विभाज्यता के नियम हमने पढ़ाया है, उस हिसाब से ये दोनों होंगे ही नहीं, जब ये नहीं होंगे तो जो बचा हुआ संख्या है वही क्या होगा, आपका उत्तर होगा। ठीक, कोई समस्या? अगले प्रश्न में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नौ, क्योंकि सारे प्रश्न आपके पास होंगे, अगर आपके पास नोट्स होंगे सारे प्रश्न आपके पास होंगे। कह रहा है एक से सौ के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो सात से पूर्णतः विभाज्य है। ये बहुत ही आसान तरीका है, आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सौ से लेकर सौ में सात से भाग देने पर भागफल कितना आता है, चौदह आता है। सौ में क्या करेंगे, सात से भाग देंगे तो कितना आएगा, चौदह आएगा। ठीक, तथा एक और सात के बीच सात के पूर्णतः विभाज्य होने की संख्या कितनी होगी, तब चौदह संख्या होगी, सीधी सी बात, संख्या कितनी होगी, चौदह। ठीक, क्योंकि भैया एक से सौ तक के बीच सात से कितनी विभाज्य होगी, तो पहला सात होगा, आप ओ एम आर सीट पर भी पढ़ते चले जाएंगे तो अभी आराम से निकल जाएगा। अब ऐसे भी क्या करेंगे, सौ में सात से भाग देंगे, सात एक के सात तीन जीरो, सात चौके अट्ठाईस, चौदह, उस बार चौदह संख्या। ठीक, संख्या कितनी होंगी, चौदह संख्या। और सब क्लियर, कोई दिक्कत? कह रहा है कि 200 और 300 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो 13 से विभाजित होंगी। 200 और 300 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो 13 से विभाजित होंगी। पहले लिखेंगे एक से लेके 200 के बीच कुछ कितनी संख्याएं हैं जो 13 से विभाजित होंगी। सबसे सरल तरीका क्या है, दो सौ बटे तेरह, अर्थात 13 से अगर 200 में हम भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, तेरह का तेरह हो जाएगा, सात सत्तर, तेरह पच्चीस पैंसठ, ये पंद्रह हुआ। ठीक, कितना हो गया, पंद्रह। और एक से लेके सौ तक के बीच में संख्याएं ज्ञात करना है, एक से लेके तीन सौ में, दो सौ तीन सौ पूछा है, अगर हम एक से लेके दो सौ का निकाल लिए, अब एक से लेके तीन सौ का निकालना होगा, तो तेरह डिवाइडेड बाई तीन सौ, तो तेरह दूना छब्बीस, चार तेरह दूना उनतालीस, तेईस संख्या हो गई। अब क्या करेंगे, घटा देंगे, तो घटाएंगे, तेईस में से पंद्रह गया, कितना होगा, बात को समझ लीजिएगा। कह रहा है कि 200 और 300 के बीच में ऐसी कितनी संख्या है जो पूर्णतः 13 से विभाज्य है। अब हम किए क्या, कुछ भी नहीं किया, हमने किया पहले एक से लेके 200 तक के बीच में कुल कितनी संख्या विभाजित हुई, पंद्रह, कितनी संख्या है, पंद्रह, फिर एक से लेके 300 के बीच में कितनी, 23, तो 200 300 के बीच कितना है, 23 माइनस 15 बराबर 8, कितनी संख्या है 8, इसका उत्तर विकल्प आपका सी होगा। क्या होगा आपका, इसका विकल्प सी माने 8। ठीक है, कोई समस्या, कोई समस्या नहीं, 10 क्वेश्चन पढ़ लें, इसके बाद कुछ देर बाद हम लोग पुनः पढ़ेंगे, एक बार पहले 10 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, इसी क्रम में एक करके आगे पढ़ते रहेंगे और हम लोग सॉल्व करते रहेंगे। ये नोट्स आपके पास है, ये नोट्स हमने आपको उपलब्ध भी कराया, जिन्होंने नोट्स ऑनलाइन लिया होगा या ऑफलाइन लिया होगा, किसी भी तरह आपको ये गणित का नोट्स मिला होगा, उसकी सोल्यूशन में आपको क्रमशः इस तरह से देते रहेंगे ताकि आपकी भी तैयारी पूरी तरह से आगे दर कदम बढ़ती रहे। और लोग पूछे सर इसके आंसर कैसे लगाएंगे, हमने आपको पूरा सॉल्व करके दे दिया है, ये 200 प्रश्न थे। ठीक,
और सबसे करके बता दीजिए इसका विकल्प कौन सही होगा, उसके बाद आप उससे भी एक बार अगर प्रयास कर लेंगे कहीं ना कहीं आपके लिए हितकर होगा। ठीक, इस वीडियो को सभी साथियों को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये ऑनलाइन नोट्स क्लास के लिए नंबर हम आपको देते हैं 6306344367। ये व्हाट्सएप नंबर है ऊपर, ये कॉल करने के लिए। ठीक, यहाँ से सभी जानकारी आपको मिल जाएगी, इसे एक बार सॉल्व कर लीजिएगा, ये आपके लिए काफ़ी आसान है।